नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह कौर। आई इंडिया के खास सौ खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आईपीएस अधिकारियों का तबादला, पवन कुमार को एसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की जिम्मेदारी। मायावती ने सपा पर बोला हमला, स्टेट गेस्ट हाउस कांड की दिलाई याद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा निवेशकों को सुरक्षा जमीन पर मैन पावर चाहिए, यूपी में सब मिलेगा। अखिलेश यादव के काफिले के साथ हादसा, आपस में टकराई 6 गाड़ियां, 4 लोग घायल। यूपी विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव में 4 पर भाजपा का कब्जा। सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में होगा सीतापुर के सड़क सुरक्षा माह का समापन। शनिवार को भिजवार के शिक्षक भवन में शिक्षा मित्र करेंगे बैठक। नैमिस पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने परिक्रमा मार्गों की मरम्मत का दिया आदेश। शासन ने शुक्रवार को 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। लंबे समय से डीजीपी कार्यालय में अटैच चल रहे आईपीएस अधिकारियों को अब महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी गई है। इस कड़ी में आनंद देव को पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज, एसपी एवं डीआईजी जौनपुर अजय साहनी को डीआईजी सहारनपुर, पवन कुमार को एसपी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, शिवहरि मीना को एसपी साइबर क्राइम, रोहन प्रमोद बोत्रे को एसपी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, दिनेश त्रिपाठी को एसपी 112 मुख्यालय, विनीत जायसवाल को पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, कमलेश कुमार दीक्षित को एसपी रूल्स एंड मैनुअल, जयप्रकाश सिंह को एसपी सुरक्षा मुख्यालय, सुनीत को एसपी प्रशासन मुख्यालय, डॉक्टर अजय पाल को एसपी जौनपुर के पद पर तैनाती दी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने श्री रामचरितमानस प्रकरण को लेकर सपा पर हमला बोला, कहा कि उपेक्षित वर्ग के लोगों को शूद्र कहकर सपा उनका अपमान न करे। बसपा प्रमुख ने लगातार कई ट्वीट कर इस प्रकरण पर अपनी बात रखी है। कहा कि देश में कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों का ग्रंथ श्री रामचरितमानस और मनुस्मृति नहीं बल्कि भारतीय संविधान है। इसमें बाबा साहब ने इन्हें शूद्रों की नहीं बल्कि एससी एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। सपाई शूद्र कहकर उनका अपमान न करें और ना ही संविधान की अवहेलना करें। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को उनकी वकालत करने से पहले लखनऊ गेस्ट हाउस के 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरे बान में झांकना चाहिए, याद करना चाहिए जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि किसी भी निवेशक को 4 चीजें, सुरक्षा जमीन, मानव हस्तक्षेप रहित इंसेंटिव और मैन पावर चाहिए। यूपी में चारों ही सुविधाएं सहजता से उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इन्वेस्टर समिट को लेकर देश दुनिया के निवेशकों से बहुत ही उत्साहवर्धक समर्थन मिला है। विपक्ष पर जाति व धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी राय व्यक्त की। हरदोई जिले के मल्लावा थाना क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले में साथ चल रही आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें 4 लोग घायल हो गए। सपा अध्यक्ष कस्बे के सपा कार्यालय से फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रेकर के चलते तेज गति से चल रही एक कार्यकर्ता की गाड़ी के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। इसके चलते साथ में चल रही 2 फॉर्च्यूनर सहित अन्य 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सभी घायलों को साथ में चल रही एम्बुलेंस से मीडिया कर्मी नसीम खान निवासी रदामऊ थाना माधोगंज, मुनेन्द्र यादव निवासी बिलग्राम को मल्लावा सीएससी और वसीम वारसी निवासी संडीला को माधोगंज सीएससी पर भर्ती कराया गया। कोतवाल शेषनाथ सिंह ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियां नहीं टकराई थी, पीछे चल रहे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां एक दूसरे में टकराई थी। बता दें कि अखिलेश यादव हरपालपुर थाना क्षेत्र के बैठापुर गाँव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल द्वारा सभी बीएसए को भेजे गए निर्देश के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही व दंड का विवरण 15 फरवरी तक देना होगा। अंतिम वरिष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर 20 फरवरी तक प्रकाशित करना होगा। शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नत की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 अप्रैल तक उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2 नोडल अधिकारी नामित पदोन्नत से संबोधित कार्यवाही के लिए उप सचिव राजेंद्र सिंह व संयुक्त सचिव मोहम्मद अल्ताफ को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसमें राजेंद्र सिंह को मेरठ, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, झांसी, देवीपाटन व मुरादाबाद और मोहम्मद अल्ताफ को आजमगढ़,
कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या, चित्रकूट, बरेली, प्रयागराज, आगरा और अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। विकासखंड मिश्री की ग्राम सभा टेड़ुआ में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। बैठक में पंचायत अधिकारी प्रशांत सिंह, ग्राम प्रधान आरती वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि कैलाश कुमार, शांति देवी, महेश प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार, पिंकी देवी, सुखदेई सेवकराम, पूजा कामले, अंकित मिश्रा, यशवंत कुमार, रामनाथ मथुरा प्रसाद, पंकज कुमार, गौतम बालू बाबा आदि मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग सीतापुर में एआरटीओ परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता द्वारा यातायात निरीक्षक फरीद अहमद के साथ चलाए गए संयुक्त अभियान में दो पहिया चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान बिना हेलमेट लगाए बाइक दौड़ा रहे लोगों को हेलमेट के फायदे बताए गए। एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेयी ने 28 वाहनों की फिटनेस जांच की, जिसमें 6 गाड़ियां अनफिट मिली। परीक्षण के निर्देश दिए और उनके स्वामियों को दशा सुधार कर पुनः गाड़ी चलाने के लिए कहा। एआरटीओ संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 5 जनवरी से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत कुल 448 वाहनों का चालान तथा 111 वाहनों को सीज कर 19,30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह शनिवार सुबह 9 बजे सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज नेपालापुर में किया जाएगा। कस्बा कमलापुर में पुलिस ने प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा के नेतृत्व में मार्च पास्ट निकाला। मार्च के दौरान वाहन चेकिंग भी की गई, जिसमें उप निरीक्षक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने नियमों का उल्लंघन कर रहे बाइक सवारकों के चालान काटे। प्रभारी निरीक्षक ने व्यापारियों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और अतिक्रमण ना करने की बात कही। इस मौके पर SSI शिवप्रसाद पांडे, SI मोहम्मद खालिद, रामदेव प्रसाद, आरक्षी RK सिंह, सतीश यादव, आकाश कटियार, सुनील कुमार यादव, विवेकानंद मिश्रा, आकाश सैनी आदि उपस्थित रहे। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा सीतापुर द्वारा प्राथमिक चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन सभागार सीतापुर में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित विकास भवन के कर्मचारियों एवं अधिकारी गणों को रेडक्रॉस उपसभापति फरहाद बेग सनी द्वारा रक्तस्राव को रोकने के उपाय, गले में चोकिंग, बर्न, सांप काटने पर क्या करना चाहिए आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। रेडक्रॉस फर्स्ट एड ट्रेनर रियाज अहमद द्वारा प्राथमिक चिकित्सा की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इसके पश्चात CPR कार्डियो पल्मोनरी रिस्ट्रेशन की सहायता को बताया गया। शिविर में रेडक्रॉस सदस्य हसनैन साजिद, नवल किशोर, सारिक अंसारी, सुबोध कुमार आदि लोगों का विशेष योगदान रहा। सीतापुर रोसा ब्लॉक के ग्राम नसीरपुर देवरिया में विधायक ज्ञान तिवारी ने गांवों का चौमुखी और बहुमुखी विकास किया जा रहा है। सोशल सेक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तत्परता बढ़ती जा रही है और ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के लिए जिला और तहसील के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए सरकार जनता के द्वार जा रही है और इसी कड़ी में गांव की समस्या गांव में समाधान के नाम से पूरे प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक स्नातक खंड वाली 5 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर भगवा पहरा कर बड़ी कामयाबी दर्ज की, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना कब्जा बनाए रखा है। इस चुनाव में सपा का प्रदर्शन बहुत दयनीय रहा, उसे 1 भी सीट नहीं प्राप्त हुई। बसपा और कांग्रेस ने इसे इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे थे। MLC चुनाव में इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक के MLC चुनाव में भाजपा के बाबूलाल तिवारी ने सपा के SP सिंह पटेल को हराया। कानपुर उन्नाव खंड के स्नातक MLC चुनाव में भाजपा के अरुण पाठक ने सपा के डॉक्टर कमलेश यादव को हराया। बरेली मुरादाबाद खंड के स्नातक MLC चुनाव में भाजपा के जयपाल सिंह, खंड के स्नातक MLC चुनाव में भाजपा के जयपाल सिंह ने सपा के सुप्रताप सिंह को मात दी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक MLC चुनाव में भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने सपा के करुण कांत मौर्य को पराजित किया। कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक MLC चुनाव में निर्दलीय राजबहादुर चंदेल ने भाजपा के वेणु रंजन भदौरिया को पटखनी दी है। सीतापुर जनपद के सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान के जन्मदिन पर जिला अस्पताल में फल वितरित किए गए। इस दौरान क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष श्यामपाल सिंह, करनी सेना के अध्यक्ष दीपेंद्र भदौरिया, संरक्षक TP सिंह, दुर्गेश गुप्ता, रामकरण सिंह, अश्विनी सिंह, कल्प प्रयास सिंह, अमित मिश्रा, सुरेंद्र पाल सिंह, देवेंद्र शुक्ला, भारत भदौरिया, अनूप सिंह, आकाश कुमार, शिव सिंह, विनय सिंह, अखिलेश सिंह, गौरव, पंकज सिंह भदौरिया, अनुज पांडे, सीमांत मिश्रा, उमाकांत शुक्ला, विकास सिंह आदि उपस्थित रहे। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के निर्देशानुसार प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कांस्टेबल
गौतम हजारे के साथ बिस्वा महमूदाबाद प्रखंड में अनावश्यक चैन पुलिंग न करने, बंद गेट को पार्ट न करने, चलती ट्रेन पर पत्थर न फेंकने आदि के प्रति जागरूक किया। जागरूकता अभियान में ग्राम प्रधानों की भी सहभागिता रही। नैमिषारण धाम के समेकित पर्यटन विकास के संबंध में एक बैठक 6 फरवरी को अपराह्न 3 बजे नैमिषारण स्थित लोक निर्माण भवन के निरीक्षण भवन में होगी। बैठक में पर्यटन और संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह समीक्षा करेंगे। इस आशय की जानकारी मंत्री के निजी सचिव शीतला दीन ने दी। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाना वाला संपूर्ण समाधान दिवस 4 फरवरी को आयोजित होगा। तहसील सिधौली में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनु सिंह करेंगे। इस आशय की जानकारी डीआईओ राजकमल ने दी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2 परियोजनाएं संचालित की जाएंगी। इस आशय की जानकारी देते हुए सहायक निदेशक मत्स्य सीतापुर प्रभारी संजय यादव ने बताया कि पट्टा धारक द्वारा स्वयं अथवा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य उत्पादन हेतु प्रथम वर्ष निवेश के अंतर्गत मत्स्य बीज, मत्स्य पूरक आहार, जल पूर्ति संसाधन, दवाएं आदि के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया योजना में विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी से 16 फरवरी तक किया जा सकता है। सहायक निदेशक मत्स्य संजय यादव ने बताया कि योजना में तालाबों के ऐसे पट्टे धारक आवेदन कर सकेंगे जिनके पट्टे की अवधि में न्यूनतम 4 वर्ष अवशेष हो। योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत ₹4,00,000 प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक आवेदक को योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर जल क्षेत्र तक लाभ अनुमन्य है। जिला चिकित्सालय सीतापुर में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर के सिंह का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अधीक्षक का कर्मचारियों ने स्वागत किया। स्वागत समारोह अवसर पर चीफ फार्मासिस्ट जेपी गौर, डीपीएस सीतापुर अध्यक्ष जगदीश सिंह, विशाल मंत्री आरएसएस कन्नौजिया, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर के सिंह, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी अवधेश शर्मा, चीफ फार्मासिस्ट के पांडे, पीएस यादव, अनिल वर्मा, अखिलेश सिंह, जीएल रस्तोगी, संजय शर्मा, प्रभाकर मिश्रा मौजूद रहे। सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में 5 दिवसीय ललित कला एवं साहित्य की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर फादर डेनी मैथ्यू ने किया। पहले दिन मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें आर्यभट्ट, बीरबल साहनी, चंद्रशेखर वेंकटरमन तथा डेविड रिकार्डो समूह की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का आयोजन सोनाली श्रीवास्तव, शोभिता टंडन एवं रश्मि मिश्रा की देखरेख में संपन्न हुआ। डॉक्टर कुश कुमार पटवार, रीमा शर्मा, विश्वदीप शुक्ला, ऋचा पांडे ने योगदान किया। निर्णायक नेहा मल्होत्रा और नूरजहां रही। सांस्कृतिक समिति के समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया यह प्रतियोगिताएं आगामी 5 दिनों तक निरंतर चलेंगी। ब्लॉक पहला के शिक्षक प्रेरकों ने सरैया बाजार में नशा मुक्त समाज आंदोलन के अभियान कौशल की बैठक की। बैठक में 4 वर्ष बाद शेष मानदेय भुगतान सूचना एकत्रित की गई। वहीं सभी प्रेरकों ने सांसद कौशल किशोर को प्रेरकों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। सांसद कौशल किशोर के मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह ने कहा हम सभी को मिलकर इस नशा रूपी अभिशाप को जड़ से मिटाना होगा। 2023 नशा मुक्त 9 वर्ष मनाने हेतु घर घर नशा मुक्त अभियान चलाएंगे। उक्त अवसर पर राजेश कुमार, वीर बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, शैलेंद्र कुमार, राजेश कुमार, सुरेश कुमार, हरे राम, मंजू देवी, उमा कुमारी, क्रांति देवी वर्मा, बीबी बानो व अन्य प्रेरक उपस्थित रहे। 20 फरवरी को लखनऊ के रमाबाई पार्क में शिक्षा मित्रों का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर सीतापुर शिक्षा मित्र संगठन शनिवार को बिजवार के शिक्षक भवन में बैठक करेंगे। खैराबाद ब्लॉक अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने बताया कि यह बैठक अपराह्न 2 बजे से आयोजित की जाएगी जिसमें मार्गदर्शन हेतु प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे तथा संरक्षकगण पंकज अवस्थी और वासुदेव सिंह पवार मौजूद रहेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। फिर हाजिर हैं हम खबरनामे के साथ। राष्ट्रीय हिंदू सेना की हिंदू जोड़ो यात्रा तीसरे दिन मिश्रिक पहुंची। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में नहर चौराहे से यात्रा का शुभारंभ किया गया। नहर चौराहे पर समाजसेवी संतोष गुप्ता द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया।
फिर संतोष गुप्ता के सभी साथी व गणमान्य नागरिक यात्रा में शामिल हुए और नगर भ्रमण करते हुए यात्रा वर्मी चौराहे पर आई। यहां से चंद्रावल, जयपुर, जोधपुर, हुमायूंपुर होते हुए रामकोट पहुंची। इस दौरान गांव में घर घर जाकर हिंदुत्व और सनातन के प्रति प्रेरित किया गया और प्रचार प्रसार किया गया। हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए समर्थन मांगा गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू व महासचिव प्रदीप हिंदू ने यात्रा को संबोधित किया। यात्रा में शुभम बघेल, राज बघेल, भगवान शरण, सुधीर मिश्रा, हरिनाम संजय, कुलदीप आदि तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र के केसरीगंज बाजार में व्याप्त अतिक्रमण के चलते लगने वाली जाम की समस्या आम हो गई है। क्रम में शुक्रवार को केसरीगंज बाजार के पूरब चौराहे पर लगभग 2 घंटों तक राहगीर जाम में फंसे रहे, जबकि पास ही में पुलिस पिकेट भी बना हुआ है। पुलिस कर्मी घंटों लगी जाम को हटाने में जुटे रहे। बताते चलें, नगर से केसरीगंज बाजार होकर लखीमपुर, हरगांव, भतफर जाने वाले छोटे बड़े वाहन इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसी बाजार में खरीदारी करने के लिए आते हैं, जो कि अपने वाहन सड़क के किनारे खड़े करते हैं, जिससे आए दिन जाम जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज्ञातव्य हो कि दीपावली के समय धनतेरस के दिन एक बड़े ट्रक के बाजार से होकर गुजरने पर लोग जाम में फंसे रहे, वहीं एक बड़ी घटना होते होते बची थी। वन रेंज सिधौली के अंतर्गत ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत दहावा स्थित झील में वन क्षेत्राधिकारी सिधौली एमपी सिंह ने अपने स्टाफ के साथ सारस पक्षियों की गणना की तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं को पक्षियों की पहचान कराई। इस मौके पर वन दरोगा मोहनलाल, रामसेवक वर्मा, वन रक्षक प्रतिभा गुप्ता, मनोज कुमार, शुभम कुमार, माली जयविंद सिंह यादव उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की लहरपुर नगर इकाई द्वारा 7 फरवरी को होने वाले जिला सम्मेलन को लेकर नगर के प्रभात मुन्नूलाल, बिमला देवी इंटर कॉलेज, प्रभात डिग्री कॉलेज, आदर्श कैलाश नाथ इंटर कॉलेज व हरगोविंद इंटर कॉलेज में कैलाश कॉलेज कैंपस के प्रधानाचार्य को आग्रह पत्र देकर तथा छात्र छात्राओं से संपर्क व संवाद किया गया। इस अवसर पर तहसील के तहसील सह संयोजक अमित नाग, विकास मौर्य मौजूद रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष भार्गव के नेतृत्व में सीतापुर शहर के वार्ड सिविल लाइन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार 9वें दिन चलाया गया। इस दौरान वार्ड पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय महासचिव महिला कांग्रेस समीना सफीक, एमएल पांडे, सीपी श्रीवास्तव, करुणा शंकर, राजकिशोर सिंह, आमोद मिश्रा, आनंद श्रीवास्तव, धीरेश कश्यप, विनीत दीक्षित, संजय सनी, निर्मिला चौधरी, सबनम, संजय दीक्षित, रिजवान खान, राजेंद्र निगम, पीयूष मिश्रा, उपदेश गुप्ता, इमरान अली, जफरुल उर्फ ताविश, अफजाल रहमत, सम्मी कपूर, दानिश खान मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम सभा रेवरी के पंचायत भवन परिसर में जन चौपाल का आयोजन नोडल अधिकारी एडीओ आईएसवी शिवप्रकाश दुबे की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही ग्राम सभा महदौली में जन चौपाल का आयोजन नोडल अधिकारी एडीओ पंचायत दिनेश यादव की अध्यक्षता में किया गया। रेवरी की जन चौपाल में पहुंचे डीडीओ और कसमंडा के प्रभारी बीडीओ हरिश्चंद प्रजापति ने सामुदायिक शौचालय इंडिया मार्का नलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर ग्राम सचिव रेवरी अभय प्रताप, दीपक, ग्राम प्रधान लालजी, ग्राम सचिव महदौली विनीत यादव, ग्राम प्रधान महदौली विनीता, सीएससी कसमंडा से यूनिसेफ सुधीर पाठक, कृषि बीज भंडार कसमंडा, गोदाम प्रभारी मथुरा प्रसाद, बीटीएम मनोज कुमार, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रसौरा स्थित रिजेंसी पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में म्यूजिकल प्रोग्राम फिगमेंट ऑफ फैंसी 2023 का आयोजन शनिवार को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। आई इंडिया को यह जानकारी देते हुए संस्थान अध्यक्ष एमएफ जैदी ने बताया कि प्रोग्राम में प्री प्राइमरी और जूनियर क्लास के बच्चों द्वारा फैशन शो, संगीतमय प्रोग्राम सहित अन्य मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लास के बच्चों के साथ उनकी माताएं भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। स्थानीय ONGC सामुदायिक स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद रहे। विशिष्ट अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बैग वितरित किया। अपने संबोधन में लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि आज इस स्कूल को प्रगति देखकर बहुत खुशी होती है। बताते चले कि इस स्कूल की स्थापना लोक निर्माण मंत्री के प्रयासों से संभव हो सकी थी। इस स्कूल की आधारशिला जितिन प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। कार्यक्रम को कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य दानिश खान ने किया। इस दौरान प्रबंधक आशीष सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन ओपी सिंघानिया, राउंडअप टेबल इंडिया के कुणाल आनंद, पुलकित सिंघानिया, पुनीत सर्राफ, अतुल महावीर व प्राथमिक विद्यालय की रानी फार्म के प्रधानाध्यापक प्रदीप पांडे सहित समस्त शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा।
सीतापुर वासियों को एक नए हॉस्पिटल की सौगात मिलने जा रही है। खैराबाद कस्बे की अवध कॉलोनी में 5 फरवरी को प्रातः 10 बजे सिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन सीतापुर सांसद राजेश वर्मा द्वारा बतौर मुख्य अतिथि किया जाएगा। हॉस्पिटल मालिक डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी ने बताया कि अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा मरीजों की सभी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में प्राइवेट, सेमी प्राइवेट व जनरल वार्ड की भी सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी और 24 घंटे इमरजेंसी की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। उद्घाटन अवसर पर अस्पताल के संरक्षक पूर्व MLC भरत त्रिपाठी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय प्रकाश त्रिपाठी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आकाश त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शनिवार को प्रातः 10 बजे सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीतापुर के DM अनु सिंह, विशिष्ट अतिथि SP गुले सुशील चंदभान होंगे। लहरपुर के गांधीनगर स्थित सूफी संत रमजान अली शाह मुरली वाले बाबा की मजार पर फातिहा और लंगर का आयोजन किया गया। दरगाह के मुतवल्ली हाजी मुन्नन अली तथा हाजी सोहराब अली कादरी की कयादत में मजार शरीफ पर चादर पेश की गई। अकीदतमंदों को हाजी मुन्नन अली और हाजी सोहराब अली कादरी ने संबोधित किया। इस मौके पर डॉक्टर अफजल लहरपुरी, ZR रहमानी, एडवोकेट सगीर भारती, अरफात अली, इस्लामुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अफाक, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इरफान, अच्छन खान, राकेश यादव, महताबुल हसन, शमसुल कमर, जुनैद अहमद मौजूद रहे। नमिशार तीर्थ स्थित PWD गेस्ट हाउस में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नैमिस की 84 कोसी परिक्रमा के मार्गों की मरम्मत करने निर्देश दिए। बैठक में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, गुंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनेन्द्र अवस्थी, मिश्रिक SDM अनिल रस्तोगी, तहसीलदार मनीष कुमार सहित PWD विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।